गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम आ गए हैं एक नई जगह एक्सप्लोर करने। ये जगह कौन सी है? ये जगह है गिरगांव चौपाटी, मुंबई की फेमस गिरगांव चौपाटी, जहां होते हैं बहुत सारे गणपति विसर्जन। और जैसे कि लाल बाग के राजा और भी सारे गणपति, उनके विसर्जन यहाँ पे होते हैं। आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं पूरी चौपाटी है। हम इसको आज एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या होता है। साइड में फूड स्टॉल्स भी है, फूड स्टॉल्स में क्या क्या मिलता है। तो चलिए गाइस लेट्स गो और एक्सप्लोर करते हैं हम गिरगांव चौपाटी। मेरे बैग में देख सकते हैं यहाँ से शुरू हो जाती है गिरगांव की चौपाटी। ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से पूरा वहाँ तक एंडिंग है गाइस। यहाँ पे बहुत सारी आपको खाने पीने की वैरायटी ऑफ आइटम्स मिलेंगे गाइस। सो गाइस हम एंजॉय कर रहे हैं मुंबई की फेमस पाव भाजी। तो आप भी आइए और खाइए हमारे साथ, मजे लीजिए। तो हम मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। अब हम आ चुके हैं गिरगांव बीच पे। ये बीच है, ये एक और बीच है मुंबई में गिरगांव चौपाटी किसे कहा जाता है, जो कि जस्ट नेक्स्ट टू मरीन ड्राइव है गाइस। और यहाँ पे ना बहुत सारे गणपति जी के विसर्जन होते हैं, लाल बाग के राजा और भी बहुत सारे जो भी बड़े बड़े गणपति के रहते हैं यहाँ पे, उनका विसर्जन होता है गाइस यहाँ पे। तो आप ये मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, ये पीछे मरीन ड्राइव वगैरह है, मरीन लाइन्स वगैरह पूरी यहाँ से कनेक्टेड है और एंड में ये गिरगांव चौपाटी है। और ये पूरा आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे बंगलोज वगैरह है, पाली और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज के बंगलो वगैरह है, बहुत सारी बैंक्स वगैरह है, बैंक ऑफ बड़ौदा आप मेरे ये पीछे देख सकते हैं। ये पूरा पॉश एरिया कहा जाता है इसको भी गाइस। तो मैं आपको इसको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, ये है बीच, ये पूरा बीच यहाँ से ये जो है ना, ये पूरा मरीन लाइन्स पे कनेक्टेड है। ये पूरा आप मेरे बैक साइड में ये जो देख सकते हैं, ये मरीन लाइन्स, ये ओबेरॉय होटल है वाइट में जो है, ये पूरा एक ही लाइन है। एंड इसको क्वींस नेकलेस भी कहा जाता है, मुंबई का क्वींस नेकलेस। इसका मैं आपको टॉप व्यू के कुछ पिक्स भी डालूंगी गाइस ये वीडियो में। तो टॉप व्यू का भी आप इसका देख सकते हैं कि ये नाइट में कैसा लगता है, इसको क्वींस नेकलेस की तरह लगता है गाइस इसको, क्योंकि एक राउंड है, हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल, हाफ सेमी सर्कल है ये, तो एक नेकलेस की तरह लगता है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है गाइस। और यहाँ पे इतना अच्छी हवा चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है, इतने लोग आए हुए हैं आफ्टर कोविड। कोविड के टाइम पे तो कुछ नहीं था, पर अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड आता है इंजॉय करने के लिए। और जैसे कि वीकेंड्स पे तो यहाँ पे लोग घरे पड़े रहते हैं। स्टे ट्यून, बने रहिए वीडियो में, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। एंड गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए। और बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप किस टाइप के न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, और कौन कौन सी जगह आप हैं जो मुंबई में देखने की आपकी इच्छा है, तो हम आपको उसी जगह लेके जाके एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ साथ आप भी घर बैठे बैठे मुंबई को एक्सप्लोर कीजिए। ये जो गाइस आप मेरे पीछे बीच देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी दिखाई दे रही होगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे गणपति जी का विसर्जन होता है हमेशा। जब भी गणपति को यहाँ पे बड़े बड़े गणपति जैसे लाल बाग के राजा
और भी सारे यहाँ पे भाईकला के राजा और भी सारे गणपति का विसर्जन, जो कि महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध त्यौहार है गणेश उत्सव, उनकी जो एंडिंग होती है वो यहीं होती है, यहीं उनका विसर्जन किया जाता है। छोटे से लेकर बड़े गणपति जी के हर एक प्रकार के विसर्जन यहाँ पे होते हैं। गाइस विसर्जन की कुछ थोड़ी बहुत पिक्स मैं आपके लिए डाल दूंगी गाइस, ताकि आप भी देख सकते किस टाइप का विसर्जन इस गिरगांव चौपाटी पे होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नाइट का व्यू है पूरा, आप देख सकते हैं गिरगांव चौपाटी का। सो आपको ये गिरगांव चौपाटी वाला व्लॉग कैसा लगा गाइस, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और ताकि हम आने वाले टाइम में आपको और भी न्यू जगह जो कि मुंबई की फेमस जगह है एक्सप्लोर करवाएं, वहाँ की फेमस खाने की पीने की चीज़ें भी दिखाएं आपको, ताकि हमारे साथ साथ आप भी घर बैठे मुंबई का मज़ा लें और मुंबई की हर एक जगह को एक्सप्लोर करें गाइस। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। सो गाइस स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी, हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए गाइस। तो मैं आपसे मिलती हूँ एक नई जगह पे नए व्लॉग को लेकर।